आपका आपके यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब एंड जॉब पर। दोस्तों, यूपी पुलिस एसआई की वैकेंसी आ गई है और उनके जो आवेदन है वो जल्द शुरू हो जाएंगे जनवरी से। तो आपको दिखा देते हैं जो नोटिफिकेशन आया है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ यहाँ पर नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, ये है ऑफिशियल नोटिस, जो यूपी एसआई का नोटिस आया है। इसके बारे में जान लेते हैं, इसे ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये है यूपी एसआई का नोटिफिकेशन। इसके जो भर्ती है वो आ गई है, नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो दोस्तों, इसमें जो नोटिफिकेशन में दिया है, जो यूपी में यूपी पुलिस एसआई में किन जो पद हैं, किन पदों पर भर्ती होनी है, तो अधियाचित पदों की संख्या है, इतने पद दिए हैं, और उप निरीक्षक में जो समूह दिए हैं, किन समूह पर ये भर्ती होनी है। तो पहला है पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय समूह ग है, दूसरा है पुलिस सहायक उप निरीक्षक, ये लिपिक वर्ग में आते हैं, और तीसरा है पुलिस सहायक उप निरीक्षक, ये लेखा वर्ग में आते हैं। तो दोस्तों, इसमें पुलिस उप निरीक्षक में 268 वैकेंसी हैं, पुलिस सहायक में 449 वैकेंसी हैं, और वही बात करें पुलिस सहायक उप निरीक्षक यानी कि लेखा विभाग में 204 हैं। टोटल जो वैकेंसी है दोस्तों, 921 इसमें टोटल वैकेंसी दी गई हैं। अब बात कर लेते हैं पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय विभाग में किन वर्गों के लिए कितने पद हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। जो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके 114 पद हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए 25 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी वालों के लिए 21 पद हैं, अनुसूचित जाति वालों के लिए 54 पद हैं, और अनुसूचित जनजाति वालों के लिए 4 पद हैं। तो इसमें पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय विभाग में जो पद है वो 268 हैं। आगे बात कर लेते हैं पुलिस सहायक उप निरीक्षक यानी कि लिपिक विभाग जो है उसमें, इसमें जातिगत जो आरक्षण है, जो वैकेंसी हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। अनारक्षित वर्ग के लिए 186 वैकेंसी हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर 43, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 120 वैकेंसी हैं, अनुसूचित जाति के लिए 93 वैकेंसी हैं, और अनुसूचित जनजाति वालों के लिए 7 वैकेंसी हैं। टोटल 449 वैकेंसी हैं। आगे बात कर लेते हैं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा विभाग में कितनी वैकेंसी हैं। तो अनारक्षित वर्ग के लिए 88 वैकेंसी हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर वालों के लिए 19 वैकेंसी हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के 53 वैकेंसी हैं, अनुसूचित जाति वालों के लिए 42 वैकेंसी हैं, और अनुसूचित जनजाति वालों के लिए 2 वैकेंसी हैं। इसमें टोटल 204 वैकेंसी हैं। तो इस प्रकार से बांटा गया है, और टोटल जो वैकेंसी हैं आपकी वो हैं 921 वैकेंसी हैं, जो को इनको अलग अलग विभागों में बांट दिया गया है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, अब जो आवेदन है यहाँ से बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के पदों पर सीधी भर्ती पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे, यानी पुलिस महिला दोनों के लिए है। परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है। भर्ती किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताए निरस्त की जा सकती है, यानी कि भर्ती में जो आपकी वैकेंसी उन्हें बढ़ा घटाया जा सकता है, और भर्ती को बिना कोई कारण बताए निरस्त भी किया जा सकता है, ये इन्होंने लिखा है। आगे बात कर लेते हैं जो आवेदन होने हैं, आपके आवेदन 7/1/2024 यानी कि 7 जनवरी से आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे और 28 जनवरी तक आपके आवेदन चलेंगे। दोस्तों, आपकी जो फ़ीस होगी इसमें 400 रुपये फ़ीस होने वाली है, इसमें 400 रुपये आपको फ़ीस देना होगा। योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, योग्यता भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो, यानी कि भारत का नागरिक होने चाहिए आप, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें मेन मेन चीज़ आपको बता देते हैं जो आपके लिए
मैन है। तो दोस्तों यह है, इसमें दिया है पुलिस उपनिरीक्षक गोपनीय पद के लिए, इसके लिए क्या क्या होना चाहिए। भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समक्ष अर्हता, यानी कि आपको विश्वविद्यालय से आपका स्नातक होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से स्नातक हो आपका। दूसरा है कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टंकण की, यानी आपको कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट गति से अंग्रेजी की, यानी कि आपको टाइपिंग होना चाहिए। 25 शब्द एक मिनट में हिंदी के होने चाहिए और 30 शब्द एक मिनट में इंग्लिश के होने चाहिए। तो इसमें आपका टाइपिंग मांगा जाएगा, क्योंकि ये बाबू के लेवल की भर्ती है। आगे न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी आशुलिपि श्रुति लेखा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा आधारित शुद्धता के आधार पर अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाएगा। भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नाइटलिट सोसाइटी, पूर्व में डॉयक सोसाइटी, से कंप्यूटर में ओ लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण करना अथवा सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता निर्धारित करना आवश्यक है। यानी आपके पास नाइलिट सोसाइटी का या डॉयक सोसाइटी का कंप्यूटर का ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आप पुलिस उपनिरीक्षक गोपनीय विभाग में आवेदन करना चाहते हैं तो। आगे बात कर लेते हैं पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लिपिक पद के लिए। अगर आप लिपिक पद के लिए आवेदन करते हैं तो उसमें आपको क्या चाहिए। पहला है भारत में विधि स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक हो, आपको स्नातक होना चाहिए। दूसरा है 25 शब्द प्रति मिनट गति से हिंदी के आपको होने चाहिए और 30 शब्द आपके लिए इंग्लिश के आने चाहिए, एक मिनट में इंग्लिश के 30 शब्द लिखने आने चाहिए। आगे है भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इसमें भी नाइलिट सोसाइटी का और डॉयक सोसाइटी का कंप्यूटर का ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आप इसमें आवेदन करते हैं तो। आगे बात कर लेते हैं पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लेखा पद के लिए, लेखा विभाग में करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्नातक होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से आप स्नातक हो। दूसरा है 1500 प्रति मिनट गति हिंदी के होने चाहिए और इसमें सिर्फ हिंदी के शब्द मांगे, एक मिनट में 15 शब्द आपको हिंदी के लिखने हैं। और इसमें है दोस्तों नाइलिट और डॉयक सोसाइटी से कंप्यूटर का ओ लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण करना अथवा सरकार द्वारा समक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता धारित करना, यानी कि आपके पास नाइलिट सोसाइटी का या डॉयक सोसाइटी का कंप्यूटर का ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आप इसमें आवेदन करते हैं तो। आगे बात कर लेते हैं आयु की बात करें तो इसमें आयु है, जो आयु दी है भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी 1/7/2023 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण ने की हो, यानी कि 1/7/2023 को आपकी उम्र 21 वर्ष हैगी हो और आपकी लास्ट उम्र 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसका जन्म 1/7/1995 से पूर्व पहले का नहीं होना चाहिए तथा 1/7/2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो आपकी इसमें 21 से 28 वर्ष तक इसमें उम्र ली गई है और जो आरक्षण वर्ग में अभ्यर्थी आते हैं तो उनके लिए इसमें छूट का भी प्रावधान दिया गया है, जो कि आपको नीचे की तरफ नज़र आएगा इसमें है। परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों और ऐसे अन्य श्रेणी के अभ्यर्थी केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गई है। दोस्तों OBC, SC, ST और EWS वालों, जो अन्य श्रेणी के अभ्यर्थी उनके लिए आयु में छूट दी गई है, किन किन के लिए छूट दी गई है वो नीचे आपको हम दिखाने वाले।
दो तो भर्ती की प्रक्रिया के बारे में जान लेते हैं कि आपकी जो भर्ती प्रक्रिया होगी किस प्रकार से होगी। तो भर्ती जो होगी आपकी ऑनलाइन होगी दोस्तों, ऑनलाइन आपकी परीक्षा होने वाली है और अंक 400 अंकों की ऑनलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी, जिसमें कुल 200 प्रश्न होंगे तथा समय अवधि 2.5 घंटे की होगी। इस लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 4 विषयों को एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा, यानी कि जो परीक्षा है आपकी 400 अंकों की होगी और 200 क्वेश्चन आएंगे, 2.5 घंटे का आपका समय दिया जाएगा और जो सब्जेक्ट आने वाले हैं वो हैं आपके सामान्य हिंदी और कंप्यूटर से, दूसरा सामान्य जानकारी यानी GK, तीसरा है मानसिक योग्यता यानी कि मैथ और चौथा है अभिरुचि यानी कि रीजनिंग। सभी से 50-50 क्वेश्चन आने वाले हैं और जो 100-100 नंबर के होने वाले हैं, यानी कि 400 नंबर की परीक्षा होने वाली है। लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में 35% और अंक और कुल 40% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे, यानी कि आपको सभी सब्जेक्ट में पास होना आवश्यक होगा। इसमें नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम लागू किया जाएगा। दोस्तों इसमें हाइट के बारे में बात कर लेते हैं। अभ्यर्थियों के न्यूनतम शारीरिक मानक किस प्रकार है? ऊंचाई जो है सामान्य अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो न्यूनतम ऊंचाई है वो 163 सेंटीमीटर दी गई है दोस्तों, और अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 156 सेंटीमीटर इसमें दी गई है। दोस्तों यूपी पुलिस की जो भर्ती निकली है उसमें 168 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है, लेकिन इसमें भर्ती में ये बाबू लेवल की होती तो इसमें 163 सेंटीमीटर की हाइट मांगी गई है। सीना की बात करें तो सीना 77 से 82 सेंटीमीटर का है और अनुसूचित जनजातियों के लिए 75 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर का इसमें फुलाव मांगा गया है। महिलाओं की बात करें तो महिला अभ्यर्थियों की ऊंचाई है सामान्य अन्य पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए ऊंचाई 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए ऊंचाई 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए और वजन महिलाओं का 40 किलोग्राम होना चाहिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं छूट के लिए, उम्र में छूट कितनी किसको दी गई है। तो उम्र की छूट के लिए बात कर लेते हैं, तो इसमें जातिगत जो आरक्षण दिया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी हैं, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी हैं 21% उन्हें आरक्षण है, तो इसमें उनके लिए 5 साल की छूट दी गई है। आगे बात कर लेते हैं अनुसूचित जनजातियों के लिए, इन्हें 2% आरक्षण है, वैकेंसी 2% है और जो 5 वर्ष की इन्हें छूट दी गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC की बात कर लेते हैं, इन्हें 27% आरक्षण है और 5 वर्ष की उम्र में छूट दी गई है। बात करें आर्थिक रूप से कमज़ोर, इनके लिए 10% आरक्षण है और इन्हें उम्र में छूट नहीं है और इनके पास EWS का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 36 आरक्षण के बारे में। जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनके लिए 2% आरक्षण है और उन्हें उम्र में छूट नहीं है। भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए 5% आरक्षण है और उन्हें 3 वर्ष की छूट दी गई है। महिलाओं की बात करें दोस्तों तो महिलाओं के लिए 20% आरक्षण दिया है और इसमें दिनांक 26/6/2019 में विवाहित वहित व्यवस्थाओं के अनुसार आरक्षण अनुमूल्य होगा। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में राज्याधीन लोक सेवा के पदों पर सीधी भर्तियां प्रक्रम पर महिलाओं के लिए आरक्षित पदों पर चयन के समय सभी महिला अभ्यर्थियों चाहे वो भारतवर्ष के किसी भी राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित हो को विचार में लिया जाएगा। महिलाओं को प्रदत्त वक्त
आरक्षण मान्य उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16/1/2019 के विरुद्ध उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दायर विशेष अपील डी संख्या इतने में माननीय न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा। तो जो अधीन होगा मतलब जो निर्णय के अधीन होगा तब इनको आरक्षण का प्रावधान रखा जाएगा, अभी फिलहाल इसमें कुछ रखा नहीं है। आगे बात कर लेते हैं, नोट में है उत्तर प्रदेश शासन की क्षेत्रीय आरक्षण की नीति समग्र क्षेत्रीय आरक्षण की है, यानी कि भूतपूर्व सैनिकों को आयु सेना में की गई सेवा अवधि को उनके वास्तविक आयु से घटाने पर निर्धारित आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये तो थी इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें जो आपको जान लेनी चाहिए थी, जिससे कि आपको आवेदन करने में सुविधा मिल सके। दोस्तों इसमें भी डीजी लॉकर के माध्यम से अपलोड करना होगा, इसमें भी डीजी लॉकर का प्रयोग किया गया है। आप डीजी लॉकर में आपको आईडी बना करके आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, तभी आपका आवेदन होगा दोस्तों। दोस्तों ये तो थी UPSI संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें, जिससे आपको आवेदन करने में आसानी मिल सके। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं पाठ्यक्रम को, दोस्तों बता ही दिया हमने, बाकी ये इसका सिलेबस है दोस्तों, आप सिलेबस को भी एक नज़र में देख लें। ये सिलेबस हिंदी कंप्यूटर ज्ञान का है, तो इसमें कौन कौन से चैप्टर आएंगे आप इन्हें देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ऊपर वाला है ये हिंदी का है, यहाँ से ये हिंदी का वाला दिया है, और दोस्तों यहाँ से नीचे को ये कंप्यूटर का सिलेबस दिया है। तो आप इसको एक बार नज़र में देख लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। अब नेक्स्ट है दोस्तों सामान्य जीके, तो इसमें का इसका सिलेबस है, इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। और फिर नीचे है दोस्तों ये मैथ का सिलेबस, ये जो चैप्टर हैं ये आपके परीक्षा में आने वाले हैं, और उससे नीचे दोस्तों रीजनिंग का। तो इस प्रकार से ये इनका सिलेबस है, आप सिलेबस के माध्यम से अपनी तैयारी करें। ये दोस्तों रीजनिंग का सिलेबस है, और अभी नीचे है ये भी सिलेबस रीजनिंग का ही है, ये पूरा सिलेबस रीजनिंग का दिया है दोस्तों। तो दोस्तों ये प्रारूप दिए हैं आपको, जो प्रमाण पत्र बनवाना है तो ये अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए प्रमाण पत्र बनवाना, उसका प्रारूप दिया नीचे। और ये अन्य पिछड़ा वर्ग वालों के लिए प्रारूप दिया है, उनके लिए ऐसा जाति प्रमाण पत्र बनवाना है। और इससे नीचे आपको स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए दिया है, यह आर्थिक रूप से कमज़ोर EWS वर्ग वाले अभ्यर्थियों के लिए दिया है प्रारूप। इस प्रकार से आपको प्रमाण पत्र बनवाना है दोस्तों, ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए है। तो दोस्तों इसमें जो है मोस्ट मोर जानकारी ये दिया है। और दोस्तों जल्दी UPSI ये बाबू लेवल की भर्ती थी, लेकिन UPSI की भर्ती आने वाली है, उसकी सूचना आपको समय से अपडेट कर दिया जाएगा। अगर आपने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी जो नोटिफिकेशन होगा जो वीडियो हम बनाएंगे आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।